पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन एक बार देवताओं को बड़ा अभिमान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अमृत पान करती, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ और देवताओं में और दानवों में। जब समुद्र मंथन किया गया, मंदराचल पर्वत को रही बनाया गया और वासुकी नाग को नेति बनाया गया, और एक तरफ लग गए दानव, एक तरफ लग गए दैत्य, देवता और दानव दोनों लग गए इधर उधर। जब मंथन किया गया तो मंदराचल पर्वत नीचे धसने लगा। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बचाओ। तो भगवान कच्छप अवतार लेकर के आए, कछुआ बन करके आए। आपने देखा होगा ना, कछुआ की पीठ बहुत हार्ड होती है, बहुत मजबूत होती है। तो भगवान ने देवताओं के लिए अवतार लेकर के आए कश्यप बन करके। तो वासुकी नाग और मंदराचल पर्वत पर्वत के नीचे कश्यप जी बैठ गए। और उसके बाद जब मंथन हुआ, मंथन जब हुआ तो सबसे पहले विष निकला, और जब विष निकला तो देवता दानव घबराए और जाकर के भगवान के शिव के पास पहुँचे कि प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। महाराज ये कालकूट विष निकल गया और दानव हमारे पीछे पड़े हैं कि तुम इस विष को पियो, इस विष को पियो, इस विष को पियो। देखो जब मंथन किया जाता है तब सबसे पहले क्या निकलता है? मक्खन। और मक्खन को जब गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है? घृत। लेकिन वो निकला कहां से? दूध से। दूध निकला, दूध को गर्म किया गया, उसको जमाया गया, उसके बाद मंथन किया गया। मक्खन निकला, गर्म किया, घृत निकला। अगर दूध नहीं होता तो ना मक्खन होता, ना घृत होता, ना दही होता। तो दूध में ही घी छिपा है। ऐसे ही समुद्र मंथन में अमृत छिपा है, लेकिन सबसे पहले विष निकला। आपको ये संसार में शुभ काम करने के लिए जाते हैं तो संसार के लोग बड़े भयभीत कर देते हैं। कई लोग तो बड़ी अटपटी वाणी बोल करके लोगों को भयभीत कर देते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, बड़ा बहुत बेकार चीज है, फंस जाओगे, लोग लूट लेंगे, ऐसा काम मत करो। ये है विष। अगर कोई शुभ काम करने जाते हो और संसार के लोग आपको रोकते हैं, टोकते हैं, उसमें बाधा डालते हैं, इसे कहते हैं विष। लेकिन जब विष को भी पचाने की क्षमता जो व्यक्ति रखता है वही अमृत पान भी कर सकता है। इसलिए घबराओ नहीं। भगवान शिव के पास पहुंचे, शिव आए और भगवान शिव ने उस कालकूट विष को इस प्रकार से ओक लगाकर के पिया, और वह विष केवल अपने गले तक ही रखा, गले से नीचे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वहां तो राम बैठे हैं, हृदय में राम है, गले में विष और नीचे राम। इसे क्या कहते हैं? विश्राम। जिसके जीवन में विष भी है और राम भी है, पहले विष आएगा फिर राम आएगा। तो भगवान शिव ने पहले जब ये जहर को पिया तो कुछ जहर नीचे गिर गया, उसी से जहरीले जीव जंतु, सांप नेवले और आदि जितने में जहरीले जंतु होते हैं वो सब पैदा हो गए भूमि पर। उसके बाद पुनः मंथन किया गया,
उसके बाद मंथन जब किया गया तो कामधेनु गाय निकली। वह संतों को दे दी गई। धनुष निकला, चंद्रमा निकला, 14 रत्न निकले। 14 रत्नों के साथ साथ ही लक्ष्मी जी भी निकली। लक्ष्मी जी नारायण के साथ विवाही गई और उसके बाद धन्वंतरी जी निकले हैं अमृत का कलश लेकर के। जब अमृत का कलश लेकर के निकले तो देव दैत्य उसे छीनने के लिए भागे। देवताओं ने फिर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये तो दैत्य अमृत का कलश लेकर के भाग जाएंगे और ये अमृत पी लेंगे, ये अमर हो जाएंगे, फिर हम इनको परास्त नहीं कर पाएंगे, फिर हम सारी जिंदगी हमें ये सताएंगे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण इतना सुंदर था कि दैत्य पागल हो गए। और भगवान मोहिनी ने कहा कि आप पंक्ति लगा लीजिए दैत्यों से, मैं आपको पतला पतला जो सही अच्छा 100% अमृत है आपको पिलाती हूँ और देवताओं को बाद में पिलाती हूँ। तो देवताओं ने कहा, दैत्यों ने कहा कि नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, पहले देवताओं को पिलाओ, बाद में जो गाढ़ा गाढ़ा निकलेगा वो हम पिएंगे। तो भगवान ने उनकी बात मानी और देवताओं की पंक्ति लगवा दी। लेकिन देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आकर के बैठ गया चुपचाप। भगवान जब अमृत का पान करवा रहे थे तो राहु को भी पिला दिया तो चंद्रमा ने और सूर्य ने कहा, प्रभु रुको रुको रुको, ये राहु बैठा है, अगर ये पी जाएगा तो एक ही दैत्य भारी है हम देवताओं पर। भगवान ने झटपट तुरंत से अपना चक्र उठाया और राहु की गर्दन को काट दिया। अब राहु का जो धड़ है वह तो राहु है और गर्दन जो है धड़, गर्दन से ऊपर जो धड़ है वह केतु है। अब राहु ने कहा सूर्य चंद्रमा से कि तुमसे तुम्हें बदला जरूर लूंगा, चिंता मत करो। सूर्य से कहा तुमसे बदला लूंगा जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा अमावस्या के दिन, तो मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें ग्रसित करूंगा। चंद्रमा से कहा कि जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हें ग्रसित करूंगा, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तो वही जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है ये तभी से वरदान लगा हुआ आ रहा है कि राहु चंद्रमा और सूर्य को ग्रसित करता है। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि भगवान शिव उनके ऊपर आसक्त हो गए। भगवान शिव आसक्त हुए मोहिनी रूप पर और भगवान कृष्ण आसक्त हुए भोले बाबा की गोपी के रूप पर। भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। समुद्र मंथन हुआ। अब समुद्र मंथन जब हो गया तो अमृत पान करके देवता लोग अमर हो गए। अब दैत्य लोग बड़े निराश हो गए।